लखनपुर गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में तीन भाई बहन और माता पिता रहते थे। तभी एक दिन चंदा, ओ चंदा कहाँ गई? पता नहीं आजकल घर आने पर कोई दिखता क्यों नहीं। हाँ जी आ रही हूँ। ओ मोरी मैया, आज फिर मछली नहीं बिकी। आखिर आप क्या करते रहते हैं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें रोड में आने से कोई नहीं रोक सकता। पहले सुन तो लो मेरी बात। आज सभी मछुआरे के पास बड़ी मछलियाँ थी और मेरे पास छोटी मछलियाँ थी, इसलिए आज किसी ने भी मेरी मछलियाँ नहीं खरीदी। हे प्रभु, अब क्या होगा? मेरी तो किस्मत ही फूटी है। और चंदा फूट फूट कर रोने लगती है। दोनों पति पत्नियाँ की बात चुपके से उनकी बड़ी बेटी मुन्नी सुनते रहती है। माँ पिताजी तो बहुत ही चिंता में है, मुझे कुछ करना चाहिए। मुन्नी अपनी माँ के पास जाती है। माँ क्या हुआ, आज पिताजी ने मछलियाँ नहीं बेची क्या? आ गई मनहूस काली कहीं की, तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने मत आया कर, लेकिन तू बात नहीं मानेगी, चल भाग यहाँ से। पता नहीं क्या पाप किया था कि इतनी काली मनहूस को भगवान ने मेरे पेट में भेज दिया। मुन्नी वहाँ से चली जाती है और वह गाँव के बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और वह रोने लगती है। भगवान, मैं काली हूँ, इसमें मेरी क्या गलती? आखिर मैं भी तो इंसान ही हूँ ना। आखिर हमारे राम भगवान, कृष्णा, महादेव और विष्णु भी तो काले हैं ना। अगर भगवान काले हो सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं? आखिर भगवान ने ही तो मुझे बनाया है ना, तो मुझसे इतना नफरत क्यों? और मुन्नी जी भर के रोती है। तभी उसे उसकी बहन चंचल की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अरे ये तो चंचल की आवाज़ है ना। तभी मुन्नी जाकर देखती है तो चंचल एक लड़के के साथ बैठकर बात कर रही होती है। अरे ये लड़का कौन है, गांव का तो नहीं लगता है। जैसे ही चंचल उठती है मुन्नी छिप जाती है और घर चली जाती है। जब वह घर पहुंचती है उसके भैया गोपाल उसे कहते हैं, ए काली तूने मेरा बेल्ट देखा है क्या? नहीं भैया मैंने तो नहीं देखा है। हाँ वैसे तुझे कहाँ कुछ पता रहता है, बस कलंक जैसे घर में खाने के लिए ही तो है। ऐसे कहकर गोपाल अपनी माँ को आवाज लगाने लगता है। माँ चंचल कहाँ है, आज मैंने उसे देखा ही नहीं है। बाहर गई है अपनी सहेली के घर, आती ही होगी। उसी वक्त चंचल आ जाती है। आ गई तू, तेरी बड़ी लंबी उम्र है, अभी तुझे ही पूछ रहा था मैं, और तू आ भी गई। तूने वो लहंगा पसंद किया था ना, लाल रंग की, जा देख ले मैं लेके आया हूँ। क्या सच भैया, सच में लाया है आपने? हाँ सच में, जा रूम में रखा है देख ले। चंचल रूम की तरफ भागते हुए जाती है। वाह ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर है भैया। तभी मुन्नी अपने भैया से कहती है, भैया मेरे लिए कुछ नहीं लाया क्या आपने? तेरे लिए क्या लाऊं, इतनी काली जो है कुछ सूट ही नहीं करेगा तुझमें, चल हट अब मेरे रास्ते से। गोपाल मुन्नी को भला बुरा सुनाकर चला जाता है। मुन्नी का चेहरा उदास और खामोश हो जाता है। तभी चंदा, अरे ओ महारानी साहिबा, जाओ और इन सारे कपड़े को धोकर लाओ। मुन्नी के साथ उसके घर वाले बहुत ही भेदभाव करते थे और घर का सारा काम मुन्नी से करवाते थे। मुन्नी सब कुछ सहकर सारा काम करती थी। तभी एक दिन गांव का मोतीराम बिरजू के घर आता है। कहाँ हो बिरजू? मैं मोतीराम। हाँ हाँ भाई मोतीराम अंदर आओ। बिरजू और मोतीराम बातचीत करते हैं। तभी मोतीराम, बिरजू तुम्हारी दोनों लड़कियाँ अब शादी के लायक हो गई हैं, तो कुछ सोचा है कि नहीं? तभी बिरजू कहता है, अभी कहाँ मोतीराम भाई, मेरा तो काम ही अच्छे से नहीं चल रहा है, और जो मैंने जमा पूंजी रखी है उसे खर्च कर दूंगा तो पूरा बैंक खाली हो जाएगा मेरा। अभी कुछ काम देखता हूँ, फिर बेटियों के लिए सोचूंगा। तभी मोतीराम कहता है, मेरा खेत खाली पड़ा है बहुत सालों से, क्या तुम मेरे खेत में खेती करना चाहोगे? क्या बात कर रहे हो मोतीराम भाई, ऐसा मजाक मत किया करो। अरे भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में तुम्हें ये खेत देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, तुम जैसे मित्र हर किसी के पास हो। बिरजू मोतीलाल के खेत में बहुत मेहनत करता है और फसल उगाता है, फिर उस धान को बाजार में जाकर बेचता है। धान बेचने के बाद बिरजू के पास काफी पैसे आ जाते हैं और वह फिर मोतीराम के पास जाता है। मोतीराम भाई घर में हो क्या? तभी मोतीराम की पत्नी आती है। हाँ भैया वो तो घर में नहीं है, बाहर गए हुए हैं। क्या काम है आपको बता दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगी। उससे कहना कि बिरजू आया था और मेरे घर भेज देना उसे। यह कहकर बिरजू अपने घर चला जाता है। चंदा यहाँ आओ तो जरा।
चंदा बिरजू के पास जाती है। क्या है जी बताइए। मैंने मोतीराम के खेत में काम किया और बहुत पैसे कमाए। सोच रहा हूँ बड़ी बेटी का हाथ पीला करने का वक्त आ गया है, क्यों ना हम उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखें। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने जी। आपने कोई लड़का देखा है क्या? उसी समय मोतीराम वहाँ पहुँच जाता है। हाँ भाभी जी, मुझे पता है कि अच्छा रिश्ता कहाँ मिलेगा। मोतीराम रिश्ते के बारे में बताता है और दूसरे दिन रिश्ते वाले आने वाले रहते हैं। चंचल, आज कहीं मत जाना तुम। क्यों माँ, आज कुछ खास है क्या मेरे लिए? हाँ, तुझे देखने रिश्ते वाले आ रहे हैं, तो घर में ही रहना। क्या रिश्ते वाले आ रहे हैं? मुझसे पूछा है आप लोगों ने कि मुझे अभी शादी करनी है या नहीं? तो जो माँ बाप चाहते हैं वही करेगी ना, तुझसे पूछना जरूरी थोड़ी ना है। चंचल बहुत ही चिंता में पड़ जाती है। अगर वो एक लफ्ज भी बोलती तो चंदा भड़क जाती और चंचल का भावना नहीं समझती, इसलिए चंचल कुछ नहीं कहती है। चंचल अपने कमरे में सोचती रहती है, तभी उसकी छोटी बहन मुन्नी आती है। क्या हुआ दीदी, बहुत चिंतित लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? मुन्नी, तू मेरी मदद करेगी क्या? कैसी मदद दीदी? तुझे नदी किनारे जाना है, वहाँ एक लड़का मिलेगा, उसे जाकर कहना है कि चंचल की शादी हो रही है, बस इतना करना है तुझे, कृपया करके मेरी मदद कर दे। वही लड़का ना दीदी जिससे आप उस दिन मिली थी, तू जानती है क्या? मैं उस लड़के को बहुत पसंद करती हूँ और मेरी शादी किसी और से होगी तो मैं जी नहीं पाऊँगी। ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं जाती हूँ और उन्हें बताती हूँ। मुन्नी नदी की ओर निकल जाती है। जब वह नदी किनारे पहुँचती है, उसकी आँख खुली की खुली रह जाती है। वह लड़का किसी और लड़की के साथ बैठा था और बातचीत कर रहा था। मुन्नी छिप कर दोनों का बातचीत सुनती है। तभी लड़का कहता है, सुनो, हम जल्दी शादी कर लेंगे और एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तभी लड़की, लेकिन उस लड़की का क्या होगा जिससे तुम यहाँ मिलते हो? उसका, उसे तो मैंने सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए रखा था। आज शाम को वो पैसे लेकर आएगी, मैं उससे पैसे लूँगा, फिर हम दोनों इस गांव से कहीं दूर चले जाएंगे, फिर नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तभी मुन्नी कहती है, अच्छा तो ये बात है, तुझे ऐसे कैसे पैसे लेने दे दूंगी धोखेबाज कहीं का, मैं अपना परिवार और अपनी दीदी दोनों को तुझसे बचाऊंगी। मुन्नी वहां से चली जाती है। आ गई तू, तूने उसे बताया ना? दीदी, वो लड़का ठीक नहीं है, आप उसको छोड़ दो। क्या बोला तूने, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे ये सब बोलने की? दीदी, वो आपको नहीं हमारे पिताजी के पैसों को पसंद करता है, और मैंने देखा कि वो किसी और लड़की के साथ नदी किनारे बैठा था और कह रहा था कि हम दोनों शादी करके इस गांव से चले जाएंगे, वो भी आपके पैसे लेकर। झूठी काली कहीं की ज्यादा मत बोल, वरना यही तेरा मुंह तोड़ दूंगी, समझी? अब मुझे पता चला कि तेरा रंग ही नहीं, तेरा दिल भी काला है। तुझे तो कोई पसंद नहीं करता है, तो तू मुझसे जड़ रही है। काली मनहोस कहें कि जा अब यहाँ से, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। दीदी, मैं सच कह रही हूँ, वो लड़का धोखेबाज है, तू निकल यहाँ से, मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी। मुन्नी चुपचाप वहाँ से चली गई। मुन्नी अपने कमरे में बैठकर तरकीब लगाने लगी। उसी वक्त चंदा, मुन्नी, अरे ओ मुन्नी, कहाँ मर गई? पता नहीं ये काली के साथ बहरी भी हो गई है शायद। जी माँ, बोलिए क्या काम है? काली के साथ साथ बहरी भी हो गई है क्या? मेरा गला सूख गया तुझे चिल्ला चिल्ला कर। माफ़ करना माँ, आने में देर हो गई। आज चंचल को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तो तू सामने मत आना, अगर सामने आ गई तो हमारी नाक कट जाएगी। तभी मुन्नी, अगर मेरे रंग से और मुझसे आप लोगों की नाक कटती है तो मुझे उसी वक्त क्यों मार नहीं फेंका आपने जब मैं पैदा हुई थी? अभी मुझे ये सब कहकर चोट पहुँचाते हो और आप लोग। तभी चंदा मुन्नी को एक थप्पड़ लगा देती है। आजकल तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, निकाल यहाँ से और मेरे आंखों के सामने मत आना। मुन्नी रोते रोते वहाँ से चली जाती है। कुछ ही समय में लड़के वाले आ जाते हैं। सारा परिवार आंगन में बैठकर बातचीत कर रहा होता है। तभी लड़के की माँ, बहन जी, बिटिया को बुला लीजिए, बच्चे एक दूसरे को देखेंगे तो अच्छा लगेगा और बातचीत भी कर लेंगे, क्यों नहीं, जरूर। चंचल बेटी, बाहर आ जाओ। चंचल चाय का ट्रे लेकर पीली साड़ी पहन कर आती है। तभी लड़के की माँ, बिटिया रानी तो बहुत ही खूबसूरत है। चंचल अपनी माँ के बगल में बैठ जाती है। वरुण चंचल को देखता है। उसी वक्त वहाँ मुन्नी नाश्ते का प्लेट लेकर आ जाती है। चंदा उसे देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है, इस लड़की को मना करने के बावजूद भी यहाँ आ गई। वरुण चंचल को छोड़कर मुन्नी को ही देखता रहता है। तभी वरुण की माँ, ये कौन है बहन जी? तभी बात को संभालते हुए चंदा, ये हमारे घर में काम करने आती है।
अब तुम्हारा काम हो गया तो अब तुम जाओ यहाँ से। मुन्नी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। तभी अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो बच्चों को अकेले में बात करने के लिए भेज देते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। चंचल वरुण को अपने कमरे में लेकर जाती है। दोनों एकदम शांत बैठे रहते हैं। वरुण के दिमाग में सिर्फ मुन्नी चल रही थी। तभी वरुण, वो लड़की जो वहाँ आई थी नाश्ता लेकर, क्या वो सच में तुम्हारे घर में काम करती है क्या? चंचल मन में सोचती है, अगर ये लड़का मुन्नी के बारे में पूछ रहा है मतलब इसे मुन्नी पसंद आ गई है। इसे मैं सारी सच्चाई बता देती हूँ ताकि मैं अपने प्यार से शादी कर सकूं। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और चंचल सारी सच्चाई वरुण को बता देती है। तभी वरुण, अच्छा तो ये बात है, तब तो हम दोनों बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकते क्योंकि मुझे तुम्हारी बहन पसंद है और तुम्हें कोई और। तभी चंचल, मगर मैं घर वालों को क्या जवाब दूं? तुम इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। चंचल और वरुण बाहर आते हैं। फिर वरुण कहता है, मुझे यह शादी मंजूर नहीं है, मैं यह शादी नहीं कर सकता, कृपया मुझे माफ करना। चंदा और बिरजू सोच में पड़ जाते हैं कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है। तभी बिरजू, क्या हुआ बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? हमारी बेटी में क्या कमी है, क्या पसंद नहीं आई तुम्हें? देखिए, मुझे चंचल नहीं पसंद आई तो नहीं आई, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मुझे माफ कीजिए। वरुण अपने माता पिता को लेकर चला जाता है।